क्योंकि अब तो हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक ऑन अन एकेडमी प्लेटफॉर्म। ज्वाइन एवरीवन फास्ट, वेलकम बैक एवरीवन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एंड क्रैक सीएसआईआर एग्जामिनेशन विद अस, बिकॉज वी आर द बेस्ट एंड वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। सो फटाफट एवरीवन ट्राइंग टू गेट प्लस सब्सक्रिप्शन एंड एसएस अनलिमिटेड लाइव एंड रिकॉर्डेड कोर्सेज फ्रॉम इंडियाज बेस्ट एजुकेटर टू क्रैक सीएसआईआर एग्जाम। ओके, so let's start. My name is Ajay Krishna Pathak. Today I am going to discuss about the mass spectrometry. This is the part 9. Part 9 के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम लोग थोड़ा आइसोटॉपिक इफेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इंटेंसिटीज ऑफ पीक के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि कैसे इंटेंसिटी ऑफ पीक जो है वो डिफरेंस होगी ऑन द बेसिस ऑफ आइसोटॉपिक अपेंडेंस के बेस पे। आप लोग यही सीख रहे हो कि कैसे आइसोटॉपिक अबंडेंस जो है वो चेंज होगा, तो कैसे इंटेंसिटी ऑफ पीक जो है वो बदलेगी, किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी कम होनी चाहिए। तो कल इसी से रिलेटेड हम लोग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कर रहे थे, जो कंप्लीट नहीं हो पाया लाइट की वजह से या जो भी इश्यूज रहा। वेल टुडे आज हम उसे कंप्लीट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई वॉन्ट टू टेल यू अबाउट द अन अकेडमी प्लेटफॉर्म। फटाफट अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोग परचेस करिए, सब्सक्रिप्शन लीजिए, और सब्सक्रिप्शन लेने के वक्त डोंट फॉरगेट टू यूज़ माय रेफरल कोड। फटाफट आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करिए और प्रिपरेशन करिए अपने किसी भी एग्जामिनेशंस की। अगर आप सीएसआईआर नेट के एस्पायरेंट हैं तो सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन करने के लिए सब्सक्रिप्शन परचेस करिए। अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं अन अकेडमी प्लेटफॉर्म पे, तो आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती है उनके बारे में हम बात करते हैं। वेल सिस्टमैटिक कोर्सेज के थ्रू आपको पढ़ाया जाता है, डेली लाइव इंटरेक्टिंग क्लासेज एंड लाइव क्विजेज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। आप अपनी चॉइस के बैच और अपने चॉइस के टीचर के साथ पढ़ सकते हो, पार्टिसिपेट कर सकते हो लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड में। एनी टाइम एनी वे कहीं पर भी रहिए, पढ़ाई करिए। इफ़ यू आर कैपेबल टू अटेंड लाइव क्लासेज देन यू कैन पार्टिसिपेट इन लाइव क्लासेज, अदरवाइज यू कैन ऑल्सो सी योर रिकॉर्डेड लेक्चर एज वेल एज आप जो नोट्स हैं उन्हें फ्री PDFs को डाउनलोड कर सकते हो। वीकली टेस्ट सीरीज के ऑप्शंस हैं, वीकली टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए जाते हैं। वीकली जैसे टॉपिक फिनिश्ड होते हैं उनके टेस्ट सीरीज कराए जाते हैं, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट, ये ताकि आपकी प्रिपरेशन वीकली जो है वो अच्छे से चलती रहे। और साथ ही साथ प्राइज अफोर्डेबल है, प्राइज कुछ खास नहीं है, प्राइज आप सभी लोग अफोर्ड कर सकते हो। ओके, सो आगे बात करें तो टू टाइप्स ऑफ सब्सक्रिप्शन आर अवेलेबल ऑन आवर प्लेटफॉर्म, प्लस एंड आइकैनिक। ओके, प्लस के बारे में बात करें तो आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा, सेम फैसिलिटी आपको आइकॉनिक में भी मिलेगी। बट आइकॉनिक प्लस से एक मामले में डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड कराए जाएंगे, इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस आपको प्लस में प्रोवाइड की जाएंगी एज वेल एज आइकॉनिक में भी प्रोवाइड की जाएंगी, बट पर्सनलाइज डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी जो है वो आपको सिर्फ आइकॉनिक में मिलेगी। स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF की फैसिलिटी प्लस और आइकॉनिक दोनों जगह है, बट अगर आपको प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल्स लेना है वो फैसिलिटी लेनी, तो ये फैसिलिटी आइकॉनिक में अवेलेबल है। लाइव टेस्ट एंड क्विजेस की फैसिलिटी दोनों जगह पे प्रोवाइड की जाती है, बट अगर आपको SOP इंटरव्यू की अगर आपको तैयारी करनी है, तो इंटरव्यू की तैयारी करने से रिलेटेड जो फैसिलिटीज आपको मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको आइकॉनिक में मिलेगी। तो डोंट फॉरगेट टू परचेस कोर्सेज ऑन अनअकैडमी, फटाफट सभी लोग कोर्सेज परचेस करिए, बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट एंड देयर इज अ लॉट ऑफ फैसिलिटी अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन एजुकेशन में इतनी सारी फैसिलिटीज मिलना ये बहुत मुश्किल है, तो सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, आप सभी लोग सब्सक्रिप्शन परचेस करिए। अगर हम बात करें सब्सक्रिप्शन के बारे में, तो आइकॉनिक के बारे में बात करें तो 3 ड्यूरेशंस के कोर्सेज अवेलेबल हैं, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे, मतलब आप EMI ऑप्शंस के थ्रू भी परचेज कर सकते हो, बट उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फी पे नहीं करनी पड़ेगी। नो कॉस्ट EMI के बेस पे बात करें तो 24 मंथ के कोर्स की फीस 45,000 रुपीज़, 12 मंथ के कोर्स की फीस 26,000 रुपीज़
एंड 6 मंथ के कोर्स की फीस जो है वो 18,000 रुपीज है। अगर आप यूज करोगे मेरा रेफरल कोड AKRISS10 तो आपको इन फी स्ट्रक्चर्स पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आपके पास अनअकैडमी लर्निंग ऐप होना चाहिए, जिसके पास नहीं है वो इंस्टॉल कर ले और अपना कोर्स सेलेक्ट कर ले। और कोर्स सेलेक्ट करने के बाद अगर आपका इंटरेस्ट है प्लस परचेस करने में, जहाँ पे आपको इंडियाज बेस्ट एजुकेटर इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस स्ट्रक्चर कोर्स एंड PDF एज वेल एज अ लाइव टेस्ट की फैसिलिटीज मिलेगी, अगर आपका इंटरेस्ट है इस कोर्स को परचेज करने में तो आप लोग इसे भी परचेज कर सकते हो। इसके फी और ड्यूरेशंस के बारे में बात करें तो 4 ड्यूरेशंस के कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। इन 4 ड्यूरेशंस के बारे में बात करें तो 24 मंथ के ड्यूरेशन के कोर्स की फीस 17,000 रुपीज़ है। अगर आप 12 मंथ ले रहे हैं तो 12,325, 6 मंथ का ले रहे हो तो 9,860 एंड अगर आप 3 मंथ के कोर्स ले रहे हैं तो 6,250 रुपीज़ है इसकी फीस। रेफरल कोड आप यहां पे भी यूज करोगे देन यू विल बी गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट ऑन दिस फी स्ट्रक्चर। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एंड कंप्लीट योर प्रोफाइल। प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद आप पेमेंट करने के लिए जब जाओगे तो आप पेमेंट डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो। अगर आपने EMI ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे भी आप डेबिट कार्ड एज वेल एज अ क्रेडिट कार्ड यूज कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्टर्ड UPI ID है तो आप उसके साथ भी पेमेंट कर सकते हो। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आप उससे भी पेमेंट कर सकते हो। एंड रेफरल कोड यूज करना मत भूलिए मैक्सिमम डिस्काउंट्स के लिए। एंड इंफॉर्मेशन फॉर ऑल एस्पायरेंट्स की 11th अक्टूबर से जो है गेट एंड CSIR UGC नेट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव बैच जो है वो स्टार्ट हो गई है। आप लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए और साथ ही साथ मैथमेटिकल साइंस के जितने भी एस्पायरेंट्स हैं उनके लिए 12th अक्टूबर 2021 से जो है आउटसाइन बैच जो आपकी चल रही है वो रन कर रही है। आप सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करिए। इसके अलावा इंफॉर्मेशन फॉर लाइफ साइंस स्टूडेंट्स जो लोग भी हैं उनके लिए बैच जो है 13th अक्टूबर से ऑलरेडी रन कर रही है। तो डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन दिस बैचेस, ठीक है? ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। बिफोर स्टार्टिंग माई क्लास आई वॉन्ट टू टेल यू दैट डोंट फॉरगेट टू पार्टिसिपेट इन स्पेशल क्लासेस। कल की तो स्पेशल क्लास में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करना मत भूलिए, बिकॉज कल हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टॉपिक से रिलेटेड। तो आप सभी लोग जाइए अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करके अपना कोर्स सेलेक्ट करके फॉलो कर लीजिए, ताकि आपको क्लास से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी आप लोगों को मिलती रहे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग स्टार्ट करेंगे वहीं से जहाँ पे कल हम लोगों ने छोड़ा था। हमने कल कहाँ पे छोड़ा था? कल हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, उसी क्वेश्चन से आगे हम लोग डिस्कशन करते हैं। ओके बड़ी, सो लेट्स स्टार्ट। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, ज्वाइन फास्ट। कहाँ रह गए बाकी सारे मित्र आपके? आप लोगों के मित्र कहाँ रह गए? आज ये बार बार आप लोगों को डाउट था तो हम बायनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आपको सिखा रहे थे। कल ये क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश कर रहे थे जो हो नहीं पाया था कंप्लीट। आई थिंक आई एम ऑडिबल एवरीवन, प्लीज कमेंट फास्ट। मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को तो कमेंट करिए फटाफट सभी लोग। अगर हम ऑडिबल हैं तो फटाफट आप लोग कमेंट करिए। ओके कमेंट फास्ट। ये क्वेश्चन किया जा रहा था। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। ये क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग सॉल्व। इसी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं, आगे प्रोसीड करते हैं इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स को लेके। तो जब हम लोग कल कहाँ पे अटके हुए थे, एन की वैल्यूज पता चल गई थी, ठीक है? एन की वैल्यूज पता चल गई थी और हमें क्या करना था, ए प्लस बी एन ये रखना था। ओके, ए टाइप के बारे में बात करें, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट ए, ए टाइप के बारे में बात करें तो रिलेटिव अवेंडेंस इसका कितना है, 100%। ए बी यहाँ कॉमन है। बी टाइप के बारे में बात करें तो रिलेटिव अवेंडेंस कितना था क्लोरीन के बारे में, जब हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कल, तो क्लोरीन का जो रिलेटिव अवेंडेंस है वो कितना है, 32%, ठीक है, 32.5%। अगर इनका जब आप रेशियो निकालोगे, इन दोनों का जब रेशियो निकालोगे तो रेशियो आपका क्या आएगा, 3:1 का रेशियो आएगा। मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 3 होगी, और बी की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी।
क्लियर है। और ए टू बी कर रहे हो आप, ए प्लस बी का क्या करना है, एन की वैल्यू आपकी क्या है यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या है, टू है, ठीक है, याद है, ए प्लस बी एन की वैल्यू आपकी टू है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, ओके। ए की वैल्यू कितनी है, थ्री, तो क्या कर दो आप, थ्री का स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो टू इंटू थ्री प्लस इंटू वन, ओके, प्लस बी स्क्वायर मीन्स वन का स्क्वायर कर दो आप इजिली, ठीक है। थ्री का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, नाइन, और नाइन और ये वैल्यूज कितनी आएगी आपकी, सिक्स, और ये कितनी आएगी वैल्यूज आपकी, ये वैल्यूज कितनी आएगी आपकी, वन, ओके, कितनी वैल्यूज आएगी आपकी, वन। तो हम किसके बारे में बात कर रहे थे, हम बात कर रहे हैं एम के बारे में, ये एम का देगा और ये आपका किसका देगा, एम प्लस टू का देगा, और ये क्या देगा आपका, एम प्लस फोर का। तो जो रेशियो होगा m m प्लस टू और m प्लस फोर का, वो क्या होगा, नाइन रेशियो सिक्स रेशियो वन, यही जो होगा रेशियो किसका, m का और m प्लस टू का और m प्लस फोर का, क्लियर है। हम लोग कल इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे जो पूरा नहीं हुआ था, वेरी गुड। नाइन इज टू सिक्स इज टू वन, 9 is to 6 is to 1 जब आप करोगे, जब आपको यहाँ पे ड्रॉ करना होगा, मतलब अगर आपको स्पेक्ट्रम दिया जाए और इस स्पेक्ट्रम में आइडेंटिफाई करना है, तो आपको पता है कि सबसे हाई इंटेंसिटी की पीक किसकी होगी, पेरेंट आयन की, पेरेंट्स आयन के बाद इंटेंसिटी किसकी होगी, m प्लस टू की, m प्लस टू के बाद इंटेंसिटी किसकी होगी, सबसे लोअर इंटेंसिटी किसकी होगी, m प्लस फोर की। तो यही एप्लीकेशन यूज करना है एंड आप इजीली आसानी से इंटेंसिटी आइडेंटिफाई कर लोगे। चलें आगे सवाल करें, कंफर्म है ना, किसी में किसी को डाउट नहीं है ना, इंटेंसिटी और एम बाई जेड, क्लियर। नाइन इज टू सिक्स इज टू वन, ये आपका क्या है, यहाँ पे बात करें इंटेंसिटी की, तो नाइन इज टू इसके बारे में बात करें, सिक्स इसके बारे में बात करें तो वन, ये इंटेंसिटी रेशियो होगा। उसी तरह अगर मैं आगे के क्वेश्चन के बारे में बात करूं, मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल के पास दो क्लोरीन एटम है तो डेफिनेटली कौन सा इंटेंसिटी रेशियो शो करेगा, ये इंटेंसिटी रेशियो शो करेगा। इफ मॉलिक्यूल हैव मोर देन टू क्लोरीन एटम, अगर तीन क्लोरीन एटम हो तब क्या होगा, ये भी काफी क्वेश्चन इंटरेस्टेड है, इंटरेस्टिंग है आप सभी लोगों के लिए। इफ मॉलिक्यूल हैव अ थ्री क्लोरीन एटम, तब इंटेंसिटी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा, चलिए करते हैं, ठीक है। इफ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल हैव, समझ में आ रहा है ना, थ्री क्लोरीन एटम, थ्री क्लोरीन एटम, तब इंटेंसिटी रेशियो क्या होगा और हमें कौन कौन सी पीक मिलेगी। पहले मुझे ये बताओ, सपोज मेरे पास एक ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, सी एच और क्या है, सी एल, ये है, तो मुझे ये बताओ आप कौन कौन सी पीक नहीं मिलेगी, कौन कौन सी नहीं मिलेगी। हमें पेरेंट कैटायन की मिलेगी, पेरेंट के बाद आपका एम प्लस टू की मिलेगी, उसके बाद किसकी मिलेगी, एम प्लस फोर की मिलेगी। एम प्लस फोर के अलावा क्या कोई और भी हमें मिल सकती है, कमेंट एवरीवन फास्ट, एम प्लस फोर के अलावा क्या हमें कोई और भी मिल सकती है, कमेंट, एम प्लस फोर के अलावा क्या मिल सकता है आपका, एम प्लस सिक्स भी मिलेगा भैया, कैसे मिलेगा ये डिस्कशन करते हैं, ठीक है। देखिए जब हम सी एच के बारे में बात करेंगे, सी एच और ये तीन क्लोरीन, तीनों क्लोरीन अगर आपके क्या हो, इफ थ्री क्लोरीन आर व्हाट, 35 35 हो, 35 35 35, तब हमें क्या मिलेगा, एम, ओके, क्लियर। जैसे इसके अगर मॉलिकुलर वेट के बारे में बात करें, वेरी गुड, एम एम प्लस वन एम प्लस टू एम प्लस फोर एम प्लस सिक्स, वेरी गुड पारुल। रेशियो क्या होगा, रेशियो निकालना होगा आप लोगों को,
इन सब के बीच का रेशियो क्या होगा, एम एम का, एम प्लस वन का, एम प्लस टू का, एम प्लस फोर का रेशियो आप कैसे निकालोगे। ठीक है, यहां पे देखिए, अगर हम लोग एन के बारे में बात करें तो एन की वैल्यूज क्या है, नंबर ऑफ क्लोरीन एटम कितने हैं, नंबर ऑफ सीएल एटम कितने हैं, आइसोटॉप तीन है, तो एन की वैल्यूज क्या हो जाएगी, थ्री हो जाएगी। क्लियर। अब ये एम होगा, एम प्लस टू कौन कौन शो कर सकता है, एम प्लस टू के रेस्पेक्ट में अगर आप स्ट्रक्चर बनाओगे तीनों क्लोरीन को एक बार, तो क्लोरीन 37 इसे कर दो। ठीक है, ये दोनों क्लोरीन आपका क्या रहे, 35 रहे, ये भी क्लोरीन आपका क्या रहे, 35 रहे। एक आप क्या कर दो कि दूसरे क्लोरीन को 37 कर दो, इस क्लोरीन को क्या कर दो, 37 कर दो, बाकी क्लोरीन आपके क्या रहे, 35 रहे, 35 35। एक क्या बन सकता है, एक कौन एम प्लस टू दे सकता है कि इस क्लोरीन को 35 कर दो और ये क्लोरीन आपका क्या रहे, सॉरी 37 कर दो, ये आपका क्या रहे, 35, और ये आपका क्या रहे, 35। आ रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, ये एम देगा तो ये क्या देगा आपका, एम प्लस टू, ये आपका क्या देगा, एम प्लस टू, और ये आपका क्या देगा, एम प्लस टू। ओके, अब उसी तरह अगर सी एच मैं दूसरे क्लोरीन को चेंज कर दूं, जैसे इस क्लोरीन को मैं क्या कर दूं, 37 कर दूं, और इस क्लोरीन को भी क्या कर दूं, 37 कर दूं, और साथ ही साथ ये क्लोरीन मेरा क्या रहे, 35 रहे, तो ये क्या देगा आपका, एम प्लस फोर। डन। उसी तरह अगला स्ट्रक्चर्स भी मैं बना सकता हूं एम प्लस फोर से रिलेटेड, एम प्लस फोर से रिलेटेड क्या, ये 35, एक 35 रहे, तीनों 37 नहीं, एक जब 35 रहेगा तभी एम प्लस फोर आपका शो करेगा। अरे वाह, बहुत अच्छे, क्या बात है, ये तो एकदम, ये देखो 27 × 27 = 3:1, वेरी गुड पारुल। और इसके बारे में बात करें, ये आपका क्या लगे, क्लोरीन, और ये क्लोरीन, और ये क्लोरीन। ठीक है, यहाँ 37 37 किया, इसे अब मैं क्या कर दूं, 37 कर दूं, और इसे क्या कर दूं, 37 कर दूं, इसे 35 कर दूं। सिमिलरली एक की और प्रोबेबिलिटी है, एक की और प्रोबेबिलिटी क्या, इसके साथ था, अब एक की प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक के साथ यहाँ 37 37 क्लोरीन, इसे 37 कर दूं और इसे 35 कर दूं और इसे क्या कर दूं, 37 कर दूं। ठीक है, 37, और ये सारे आपके क्या शो करेंगे, एम प्लस फोर शो करेंगे, क्या शो करेंगे भैया, एम प्लस फोर शो करेंगे। मैथमेटिक्स है कि बायोलॉजी पारुल आपकी। और बाकी क्लोरीन के बारे में बात करें तो अगर मैं सब क्लोरीन को क्या कर दूं, 37 37 37, तो आपका क्या मिल जाएगा, एम प्लस सिक्स। ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम क्लोरीन 35 के बारे में बात जब करेंगे तो इनका जो रेशियो होगा वो तो वही होगा H2B का, मतलब इनके बीच का जो A की वैल्यूज होगी वो क्या होगी आपकी, बताइए फटाफट, सभी लोग कमेंट करिए भैया, A की वैल्यूज आपकी क्या होगी। हाँ, कंफर्म है, A 3 एंड B आपका क्या, 1, इनका रेशियो तो वही होगा। अब ए प्लस बी का क्या करना है, एन की वैल्यूज आपको रखनी है, एन की वैल्यूज क्या है, ए प्लस बी का होल क्यूब। अब ए प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है जी, ए क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब, यही वैल्यूज होती है ना। ए की वैल्यूज क्या है, 3, तो 3 का क्या कर दो, क्यूब प्लस 3 × 3 3 × 3 3 × 3 का क्या, होल स्क्वायर प्लस आपका बी की वैल्यूज कितनी है, 1। ये देखो फटाफट बच्ची ने कमेंट करके बता दिया, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, प्लस 3 × 3 × 1 प्लस आपका क्या, 1 का क्यूब। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 27
और प्लस आपका क्या 27, प्लस आपका क्या आएगा 9, और प्लस आपका क्या आएगा 1। मतलब जो रेशियो मिल रहा है वो आपका 27:27:9:1। ये आपका क्या मिल रहा है m का, ये आपका किसका है m प्लस 2 का, ये किसका है m प्लस 3 का, ये आपका किसका है m प्लस 4 का। मीन्स अगर मैं रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में बात करूं, व्हेन आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द रिलेटिव इंटेंसिटी, तो m प्लस 2 की रिलेटिव इंटेंसिटी और m की रिलेटिव इंटेंसिटी इक्वल होगी। अरे नहीं समझ में आ रहा होगा तो बता देना बच्चा, सभी लोग इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी के बारे में बात करूं, जो रिलेटिव इंटेंसिटी m की होगी वही रिलेटिव इंटेंसिटी m प्लस 2 की होगी, उससे कम रिलेटिव इंटेंसिटी किसकी होगी m प्लस 4 की होगी, m प्लस 3 लिख दिए यार, m प्लस 6, उससे सबसे कम किसकी होगी m प्लस 6 की होगी। तो जो आप लोग पूछ रहे थे कि रिलेटिव इंटेंसिटी निकालेंगे कैसे अगर हमें मिलेगा, तो ये आपका रिलेटिव इंटेंसिटी निकालने का सीधा सीधा फंडा है जी, एकदम ठीक है। ये इंटेंसिटी है, अगर आपसे पूछे कि एनी मॉलिक्यूल जिसमें क्लोरीन के 3 एटम हैं, आपको रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है। अच्छा अच्छा बिल्कुल बिल्कुल, आपको रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है ठीक है, रिलेटिव इंटेंसिटी एंड दिस वन व्हाट एम बाय जेड, डन है यस और नो एवरीवन, टेल मी अबाउट दैट ठीक है गुरु। चलें अगले मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, मॉलिक्यूल विद वन ब्रोमीन एटम। अगर मॉलिक्यूल हमारे पास कोई है जिसके पास एक ब्रोमीन एटम है तो उसकी रिलेटिव इंटेंसिटी हमें बतानी है, मॉलिक्यूल विद वन ब्रोमीन एटम, कंफर्म है यस और नो एवरीवन, कमेंट फास्ट आप लोगों के कमेंट नहीं आ रहे हैं, ऐसा क्यों समझ में नहीं आ रहा है तो बताओ भैया, समझा देंगे, समझ में नहीं आ रहा है तो बता दो समझा देंगे क्या? चलिए नाउ आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग ठीक है। मॉलिक्यूल विद वन ब्रोमीन एटम, ये आसान है, मॉलिक्यूल विद वन ब्रोमीन एटम, वन ब्रोमीन एटम, अगर आपके पास कोई मॉलिक्यूल है जिसमें एक ब्रोमीन एटम प्रेजेंस है तो ये कौन कौन सी पीक देगा इसके बारे में बात करना है। जैसे हम मॉलिक्यूल के बारे में बात करें, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास CH3Br है तो ये क्या क्या देगा, एक तो देगा आपका M, एक आपका क्या देगा M प्लस 2, M प्लस 2 किसकी वजह से देगा, Br जो आपने ले रखा होगा उसमें 79 होगा और अगला जो आपका होगा आइसोटॉप Br उसमें क्या होगा 81, ये बनेंगे आपके ठीक है। तो ये तो आपका क्या है आइसोटॉपिक पीक ठीक है, और ये आपका क्या है पैरेंटाइन पीक, इनके बीच की रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी ये बताना है, इनके बीच की रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी, कमेंट एवरीवन फास्ट, देखें आप लोग सीख गए हो क्या, कमेंट फास्ट व्हाट इज द रिलेटिव इंटेंसिटी, ठीक है जी डन है। सबसे पहले रिलेटिव इंटेंसिटी देखने के लिए आपको नेचुरल अबेंडेंस पता करनी पड़ेगी, नेचुरल अबेंडेंस पता करने के लिए आपको ये पता होना पड़ेगा कि ब्रोमीन 79 के नेचुरल अबेंडेंस के बारे में बात करें और ब्रोमीन 81 के नेचुरल अबेंडेंस के बारे में बात करें तो दोनों का नेचुरल अबेंडेंस क्या है, ये आपका 100% है तो ये आपका क्या है 98% जी, हाँ जी ये आपका क्या है भाई साहब 98%,
समझ नहीं आया? अरे तो पूछना चाहिए ना भाई, समझ नहीं आया तो पूछना चाहिए ना, नहीं समझ में आया तो पूछना चाहिए था ना। बिल्कुल, ये तो मैथ है, ये तो पूरी गणित है, ठीक है, ये पूरी मैथ है आपकी। यहाँ पे हमें एन की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ए और बी की वैल्यूज पता होनी चाहिए, ठीक है। एन की वैल्यूज अगर पता है और ए और बी की वैल्यूज पता है तो हम इजीली कर जाएंगे। एन नंबर ऑफ आइसोटोपिक एटम के बारे में बता रहा है आपका, कितने नंबर ऑफ आइसोटोपिक एटम है। जैसे शुरू में देखो आप लोग, हम लोगों ने कल यहीं से स्टार्ट किया था, ये रिलेटिव इंटेंसिटी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन किया था कि 100:2, ये 1:3 का रिलेटिव, इसका जो नेचुरल अबेंडेंस है वो 1:3 का है। जब इसे भी आप फार्मूला पे रख के करोगे तो यहाँ पे सिर्फ किसको किसको डाउट है। अरे इसका फार्मूला कुछ नहीं होगा, इसका फार्मूला भी वही होगा, घबराओ मत। देखो यहाँ पे आइसोटोपिक एटम कितने हैं, नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम, नंबर ऑफ आइसोटोपिक एटम, आइसोटोपिक एटम, आइसोटोपिक एटम मतलब एन की वैल्यूज कितनी है। एन की वैल्यूज 1 है जी, ठीक है, एक ही ब्रोमीन एटम है, एन की वैल्यू क्या है, 1 है। अब ए पता करना है हमें, और क्या पता करना है, बी पता करना है। ए और बी कैसे पता करेंगे, ए और बी जो है वो रिलेटिव अबंडेंस के बेस पे पता करेंगे। जैसे ये आपका 100% है, ये 98% है, तो इन दोनों का, ये आपके ए हो गए, ये आपका बी हो गया, इन दोनों के बीच का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1 का ही लगभग रेशियो होगा। मतलब ए की वैल्यू जो होगी वो 1 होगी और बी की वैल्यू क्या होगी, ये भी 1 होगी। क्लियर, वहां क्लोरीन था तो 3:1 का रेशियो था, 32.5% लाई कर रहा था वो, और पहला वाला 100%, तो ये आपका क्या 100% और 98%, तो 1:1 का ही रेशियो हो गया। अब आपको करना क्या है रिलेटिव इंटेंसिटी निकालने के लिए, ए प्लस बी इसके ऊपर एन, एन की वैल्यू क्या है 1, एन की वैल्यू क्या है 1, तो ए प्लस बी का क्या कर दोगे आप 1, और जब आप बात करोगे ए की वैल्यू की तो वो भी क्या है, ए 1+1, ये क्या हो गया 1। अब पूरा जो रिलेटिव इंटेंसिटी आएगी वो 1:1 आएगी जी, किसकी, एम की भी रिलेटिव इंटेंसिटी 1 और एम प्लस 2 की भी रिलेटिव इंटेंसिटी 1। मतलब अगर यहाँ पे आप बात करोगे रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ मॉलिकुलर आयन पीक एंड रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ आइसोटॉपिक आयन पीक, तो इनके बीच की जो रिलेटिव इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। जितना आपका एम मॉलिकुलर आयन पीक देगा उतना ही आपका अगला आइसोटॉपिक आयन पीक भी देगा जब ब्रोमीन एटम प्रेजेंस होगा, हाँ या ना जी। देखो भैया क्लासेस बड़ी जरूरी थी, इसलिए हम कह रहे थे कि इनको हल्के में ना लो, नहीं तो ये हल्के में ले लेंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी को भी डाउट है तो वो पूछे। एनीवन हैव एनी टाइप ऑफ डाउट देन प्लीज आस्क मी। मनोज समझ में आया कि नहीं, ये फार्मूला पता होना चाहिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, होल क्यूब क्या होता है, ये तो कक्षा 6 में पढ़ते हैं हम लोग जी, बीज गणित में कहाँ पढ़ते हैं जी। हाँ जी बलाइए जी बलाइए, आ रहा है समझ में कि ना, क्या नहीं समझ में आ रहा है मनोज, व्हाट व्हाट व्हाट, क्या नहीं समझ में आ रहा है। ए के बारे में बात करें, अगर ये आपका ए है और ये आपका बी है, दोनों के रिलेटिव्स के बारे में बात करना है, ठीक है, तो ए जो है 100%, बी जो है 98%, तो ए और बी का जो रिलेटिव रेशियो होगा 1:1 का होगा। नंबर ऑफ आइसोटोपिक एटम कितने हैं, एक ही है आपका आइसोटोपिक एटम, एन की वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ए प्लस बी का होल एन, ए प्लस बी का 1, 1+1 का ये,
1:1 रेशियो आएगा, जो m का रेशियो होगा वही m प्लस टू का रेशियो होगा। ये आपका क्या शो करेगा, m का मॉलिकुलर आयन पीक शो करेगा और m प्लस टू शो करेगा एक आइसोटॉपिक आयन पीक, है कि नहीं। अब इसमें अगर हम नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम बढ़ाएंगे तो रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है। अब आइए अगला इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इफ मॉलिक्यूल हैव टू ब्रोमीन एटम देन रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी। अगर हमारे पास इफ मॉलिक्यूल हैव, ये सारा इंपॉर्टेंट करा दे रहा हूं जान जाओ आप, हैव टू ब्रोमीन एटम, टू ब्रोमीन एटम, तो रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी, ब्रोमीन एटम तो रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी, आप लोगों को बताना है भैया। रिलेटिव इंटेंसिटी, पहले रिलेटिव इंटेंसिटी का मतलब समझ पा रहे हो, कैसे निकालना है, मॉलिक्यूल के पास दो ब्रोमीन एटम है, मतलब कोई भी आसानी सा ये बना लो CH2 और ये क्या Br और ये क्या Br। अगर एक ये आपका क्या है यहाँ पे, एक ये अगर आपका 79 है और ये आपका क्या है 79 है, ठीक है। दूसरा क्या पॉसिबिलिटीज हो सकता है कि CH2 Br, यहाँ पे ब्रोमीन क्या हो जाए और यहाँ पे ब्रोमीन क्या हो जाए, तीसरी पॉसिबिलिटी CH2 और ये क्या ब्रोमीन और ये आपका क्या ब्रोमीन, ठीक है। ब्रोमीन को बदल रहे हैं, यहाँ पे 79 एक में क्या हो जाए 81, एक क्या हो जाए आपकी 79 ही, इसमें दोनों क्या हो जाए 81 81। अगर ये M दे रहा है आपका तो ये आपका क्या देगा M प्लस 2 देगा और ये आपका क्या देगा भैया M प्लस 4 देगा। इन्हीं की रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है हमें, इन्हीं की रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है, क्लियर। नंबर ऑफ ब्रोमीन एटम कितने हैं, N इज इक्वल टू 2, A:B का आपको रेशियो पता है क्या है 1:1 होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। होल स्क्वायर का मतलब क्या, 1+1 का जब आप होल स्क्वायर करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, क्लियर है, कोई दिक्कत ना है ना। ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे तो आप ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर वैल्यूज रख दो आप, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 × 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा 1:2:1। ये आपका क्या देगा m देगा, ये आपका क्या देगा m प्लस 2 देगा और ये आपका क्या देगा m प्लस 4 देगा, क्लियर। यहां पे देखो m प्लस 2 के दो हो सकते हैं, देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी m प्लस 2, क्या एक मैं इधर बना दे रहा हूं, देयर इज अ टू पॉसिबिलिटी कि m प्लस 2, एक बार आपका ये ब्रोमीन 81 था तो एक बार आपका ये क्या हो जाए ब्रोमीन 79 रहे और एक बार जो आपका हो जाए किस क्या हो जाए ब्रोमीन 81 ये हो जाए। तो आप देखो ये m के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये m प्लस 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये भी आपका m प्लस 2 के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये m प्लस 4 के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर मॉलिक्यूल के पास दो ब्रोमीन एटम है तो रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी 1:2:1 की, मतलब अगर मैं बना लूं ऐसा, आपकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी उसकी जो शार्पनेस, उसकी जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी कम होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी कम होगी, ये m और ये क्या हो जाएगा आपका m प्लस 2 और ये आपका क्या हो जाएगा m प्लस 4। ये आपका क्या हो जाएगा m प्लस 4। 89% है बच्चा ब्रोमीन 81 का नेचुरल अबंडेंस, चेक करो एक बार ब्रोमीन के आइसोटॉप्स के बारे में। ब्रोमीन के नेचुरल अबंडेंस को एक बार आप चेक कर लो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं किसके बारे में, आगे चलिए सॉल्व करते हैं, लिखवाया होगा ये मैंने सोफिया आप लोगों को। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूल विथ 3 ब्रोमीन एटम, इसके बारे में बात करते हैं। यहां पे बताना आप रिलेटिव अबंडेंस, मॉलिक्यूल विद
3 ब्रोमीन एटम इसके बारे में आप चेक करना। अगर मॉलिक्यूल के पास 3 ब्रोमीन एटम है तो ये आपका क्या देगा, एक तो देगा M, एक आपका क्या देगा M+2, एक आपका क्या देगा M+4, एक आपका क्या देगा M+6। इन्हीं का रिलेटिव इंटेंसिटी निकालना है आप सभी लोगों को, इनका रिलेटिव इंटेंसिटी इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी होगी। ठीक है, ओके। इसका बताओ आप फटाफट। फटाफट सभी लोग फटाफट 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 इसका बताओ, M+2 M+4 का इनका रिलेटिव इंटेंसिटी बताना है आप लोग। फटाफट कमेंट फास्ट। M+1 नहीं होगा, M+2 M+4 M+6। M+1 कहां पे होगा? कमेंट फास्ट इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी कैलकुलेट करके बताओ क्या होगी। अरे बिटिया, इंटेंसिटी जब आप निकालोगे, जैसे आप क्या देख रहे हो, ब्रोमीन की बात कर रहे हो 79, इसकी नेचुरल अबेंडेंस की बात करोगे 50, आपकी क्या होगी 50.5% होता है। और इसकी जब बात करोगे ब्रोमीन 81 की, आप वो देख रहे होगे ना, इस वजह से कंफ्यूज हो, इसकी जब बात करोगे तो 49 पॉइंट समथिंग होती है। ठीक है, तो इनके बीच का जो रेशियो होगा वो 1:1 का ही होगा, 100 से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो डोंट बी कंफ्यूज इसमें सोफिया। ठीक है, ये पहले आप क्लासेस नहीं अटेंड किए, इस वजह से कंफ्यूज हो आप। ये दोनों के नेचुरल अबेंडेंस की जब बात करोगे रिक्वायरमेंट की, मतलब उस एग्जिस्टेंस की रेशियो की, तो 1:1 ही आएगा। ठीक है, कंफर्म है। वेल, एन के बारे में बात करते हैं। एन की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, और ए और बी के बारे में अगर बात करें तो इनकी वैल्यूज क्या है, 1:1 रेशियो है। क्लियर, कैलकुलेट कर लो आप, कुछ भी नहीं है, आसान है। अब ये ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी एन, ओके, ये चीज ए प्लस बी का क्या है, एन। अब जब हम बात करेंगे इसके बारे में a प्लस बी एन, तो a आपका क्या, a प्लस बी एन, एन की वैल्यू क्या है, 3 है, तो a प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल क्यूब। सही तो कमेंट किया था पारुल, इरेज क्यों कर दिया, मतलब विदड्रॉ क्यों कर लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, a क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस आपका क्या हो जाएगा, बी क्यूब। यही होता है ना, मतलब क्या, 1 का क्यूब प्लस 3
into 1 into 1 plus 3 into 1 into 1 plus 1 का क्यूब। जब आप इसे नॉर्मलाइज्ड करोगे तो 1 is to क्या हो जाएगा, 3 is to 3 is to 1, यही नेचुरल अबंडेंस मतलब यही रिलेटिव इंटेंसिटी होगी m, और ये आपकी क्या m plus 2 की, और ये आपकी क्या m plus 4 की, और ये आपकी क्या m plus 6 की। कितनी इंटरेस्टिंग है ये स्पेक्ट्रोस्कोपी। आ रहा है सबको समझ में कि नहीं? अगर m की बात करें ये देगा तो m plus 2 आपका क्या देगा, m plus 2 ये देगा, और m plus 4 क्या देगा ये देगा, और m plus 6 क्या देगा ये देगा। ये इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी m plus 2 and this one is the m plus 4 and this one is the what m plus 6 done ya nahi। अब जब चार प्रूविंग हो जाएंगे तब तो आप कौन सा टर्म्स यूज करोगे, कैसे निकालोगे? चार वाला, चार वाले में क्या आएगा आपका 1:2, 4:2, 6:4:6 का, ये किसका आएगा 1:2, 4:2, 6:4:1 आएगा ना यहाँ पे 1। और ये क्या क्या है आपका देगा, और ये आपका क्या क्या देगा, हाँ ये देखो वही चार ब्रोमीन वाला ही बता रहा हूं। ये आपका क्या देगा m प्लस 2 देगा, ये आपका सॉरी m देगा, ये आपका क्या देगा m प्लस 2 देगा, और ये किसका होगा आपका m प्लस 4 का होगा, और ये किसका होगा m प्लस 6 का होगा, और ये किसका हो जाएगा m प्लस 8 भी देने लगेगा। चार ब्रोमीन रहेंगे तो ये m प्लस 8 भी देने लगेगा, ये रेशियो होगा पारुल। ठीक है पारुल, 1:6:6:4 ठीक है, क्लियर एवरीवन? a प्लस बी कंफर्म है, यस और नो? ठीक है ये चीज। कुछ और आइसोटोप्स के रेफरेंस में करोगे आप? जैसे यहां पे अगर मैं पूछूं आपसे कि रिलेटिव इंटेंसिटी क्या कौन कौन सा पीक देगा, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं, इस कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करूं, ब्रोमीन यहां पे क्या लगा दूं ब्रोमीन, और यहां पे क्या लगा दूं ब्रोमीन, ठीक है तो ये पूछूं आपसे क्या क्या देगा तो आप सीधा बता दोगे m देगा ये, m प्लस 2 देगा ये, m प्लस 4 देगा ये, एंड क्या देगा m प्लस 6 देगा। ठीक है और जो रिलेटिव इंटेंसिटी का रेशियो होगा क्या होगा 1:3:3:1 का, ये इनका जो रिलेटिव इंटेंसिटी का रेशियो होगा ये होगा। आगे चले करें मॉलिक्यूल हैविंग सल्फर एटम, आसान सा सवाल करो इसको, ठीक है हो जाएगा ना। इसी तरह जैसे आपसे कभी ये पूछ दे किसके बारे में, इसके बारे में पूछ दे भैया इसका बताओ ये क्या क्या देगा, तो आप आसानी से बता सकते हो m देगा एज वेल एज क्या देगा m प्लस 2 देगा। अब पूछ दे कि भैया इनका रेशियो बताओ, तो आसान सा है 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है फटाफट क्वेश्चन सॉल्व होंगे इसके, अगर आपने पढ़ा है तो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको समझ में नहीं आएगा पूछ क्या रहा है। ठीक है आपको समझ में नहीं आएगा ये पूछना क्या चाहता है भाई, भाई पूछना क्या चाहते हो यही नहीं समझ में आएगा। देखो भाई भागने से कुछ ना होगा, पढ़ने से समझ में आएगा, पढ़ोगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़ोगे तो ये जिंदगी भर समझ में ना आएगा, पढ़ने से ही कुछ हो सकता है। ठीक है तो जो पढ़ा होगा या जो पढ़ के आया होगा उसे पढ़ने में अभी मजा आ रहा होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा या जो नहीं पढ़ के आया होगा उसे बोरिंग लगेगी पूरी क्लास, गारंटी के साथ बता रहे हैं, गारंटी के साथ उसे बोरिंग लगेगी। वेल नाउ चलिए अब हम बात करते हैं किसके बारे में, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मॉलिक्यूल हैविंग अ सल्फर एटम।
मॉलिक्यूल हैविंग, ये बड़ा मजेदार है, सल्फर एटम, सल्फर एटम। अब सल्फर का आपको पता होना चाहिए, शुरू में ही बताया था सारा कहानी, ठीक है। सल्फर के बारे में जब बात करोगे तो सल्फर के दो आइसोटॉप 732 और सल्फर 34, क्लियर। 32 और 34, 32 स्टैंड फॉर ए, 34 स्टैंड फॉर बी। इसके नेचुरल अबेंडेंस के बारे में बात करें 100%, और इसका बात करें तो 4.4%, ठीक है। अगर आपको करना है तो आप आसानी से सारा का सारा गेम कर सकते हो। तो पहले बात करें वन एटम के साथ, अगर हो समझो, पहला एग्जाम्पल आपके सामने है CH3SH का एग्जाम्पल मैं अगर ले लूं, तो ये आपका क्या शो करेगा, M शो करेगा, और क्या शो करेगा, M+2 शो करेगा। रिलेटिव अबेंडेंस के बारे में बात करते हैं तो है आपका आइसोटॉपिक एटम कितना है, N इक्वल टू क्या है, वन है, ठीक है गुरु। N इक्वल टू क्या है आपका, वन है। ये तो आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत विक्कत ना है। N इज इक्वल टू क्या है, वन है, तो आप क्या करोगे, ए प्लस बी और यहां वन रख दोगे। अब ए प्लस बी आपको सीधा सीधा पता है भैया, ये 100:4.4 का रेशियो होगा, ठीक है। एम एम प्लस फोर, 32 और 34 ही होगा ना बेटा, आइसोटॉप्स के बारे में बात करोगे, बाकी तो आइसोटॉप्स जो होंगे नेग्लेजिबल होंगे, ठीक है, बाकी को तो आप काउंट काउंट नहीं करोगे। एम प्लस एम देगा और M+2 देगा, S33 नहीं होगा। मतलब S33 क्या होता है बोलो भाई, कमेंट करो, S33 के रेस्पेक्ट में क्या पूछना चाह रहे हो आप, व्हाट इज S33, ठीक है। आगे चलें, इसको थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाएं, बोलिए सभी लोग। चलो रिलेटिव अबेंडेंस आप बताओगे आगे का, ठीक है। मुझे एक सवाल का जवाब देना है आप, कि जो रिलेटिव अबेंडेंस होगा इस मॉलिक्यूल में, सल्फर, सल्फर CH3, सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, इंटेंसिटी किसकी होगी, सबसे ज्यादा इंटेंस कौन होगा, एम होगा या आपका M+2 होगा या आपका M+4 होगा, बताओ सबसे ज्यादा इंटेंस कौन होगा। ए बी सी डी इस क्वेश्चन के बारे में सब कुछ पता है आपको, बस सॉल्व करना है। पर पूछना क्या चाहते हो S33, ये हम ना समझे, ये हमको ना समझ में आया S33 वाला। सल्फर 33 क्या है मेरे भाई, इसका बता दो भैया रिलेटिव इंटेंसिटी एम M+2 M+4 के बारे में, क्लियर है, हो जाएगा। N की वैल्यू क्या है, दो है, एक ये सल्फर एटम, एक ये सल्फर एटम। ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर करोगे क्या, ए स्क्वायर प्लस 2AB प्लस क्या हो जाएगा आपका, बी स्क्वायर। ए के बारे में बात करोगे सीधा रख लो आप 100%, ठीक है, प्लस 2 इंटू क्या कर लो, 100 इंटू आप क्या कर लो, 4.4 प्लस आप क्या कर लो, 4.4 का स्क्वायर कर लो, ठीक है। अब जब इसे नॉर्मलाइज्ड करोगे आप, जब नॉर्मलाइज्ड करोगे तो नॉर्मलाइज्ड करके 100 स्क्वायर का मतलब क्या है, आप 100 स्क्वायर जो आपका देगा वो कौन देगा, एम। ये वैल्यूज किससे करेस्पॉन्ड करेगी, M+2 से, और बी स्क्वायर वाली किससे, M+4 से। आपको सीधा दिख रहा है यार सबसे ज्यादा इंटेंसिटी किसकी होगी, एम की। अब जैसे प्रैक्टिस करोगे वैसे चीजें आपके लिए शॉर्ट होती जाएंगी। अरे कमेंट वमेंट नहीं आ रहे हैं आप लोगों के, अरे हम तो सुनाई दे रहे हैं ना,
हमारी आवाज वगैरह जा रही है कि नहीं? अरे कुछ तो बोल दो भाई, पाप लगेगा पाप, ऐसे नहीं बोलोगे तो। सीधा सीधा दिख रहा है जी, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी। अब अगला, अगर मिक्स्ड की बात करने लगे, मेरे ख्याल से अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चंस आएंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, हाँ या ना? अरे कुछ तो बोलो। बोलो जी, कैलकुलेट करने में लगे हो क्या कि सो गए सबके सब? हाँ, मिक्स्ड वाले को करें। अब मिक्स्ड वाले को करते हैं, मॉलिक्यूल हैविंग मिक्स्ड हैलोजन, ठीक है, इसके बारे में करते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल हैविंग मिक्स्ड हैलोजन, ठीक है। अब ये ज्यादा मजेदार है गुरु, एक बार कर लो, जीवन भर याद रहेगा, आनंदमय जीवन बीतेगा, ठीक है। मॉलिक्यूल हैविंग मिक्स्ड हैलोजन। गुरु अब इंटेंसिटी की बात करेंगे, मजेदार वाली एकदम, क्या क्या शो करेगा, क्या क्या शो नहीं करेगा, ठीक है। अब ये काफी इंटरेस्टिंग होगा, मॉलिक्यूल हैविंग अ मिक्स्ड हैलोजन, तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे ये हमें देखना है। सल्फर वाला हमने कहा ये रिलेटिव आपका अबंडेंस होगा, ठीक है। अब हमने ये बताया कि ये मॉलिक्यूल दिया आपको और पूछा कि बताओ रिलेटिव इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, m की होगी या m प्लस 2 की होगी या m प्लस 4 की होगी। तो जब आपने n इज इक्वल टू 2 रखा तो नंबर ऑफ सल्फर एटम 2 थे, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ए स्क्वायर आपका एम का देगा, 2ab आपका किसका दे रहा है, एम प्लस 2 का दे रहा है, बी स्क्वायर किसका दे रहा है, एम प्लस 4 का। भाई यही 100% है, 100 का स्क्वायर कर दोगे, बाकी इनको करोगे तो इनसे वैल्यू ज्यादा ही आएगी। यहाँ 200 ये आपका क्या आएगा, 880 आएगा आपका अप्रोक्सीमेटली, इसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो डेफिनेटली रिलेटिव इंटेंसिटी जो होगी किसकी ज्यादा होगी, एम की ही ज्यादा होगी। ओके बच्चा, है ना, सही है कि नहीं? अरे गुरु ये सब क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ये जान जियो, जिसने सीख लिया उसकी बल्ले बल्ले है, जिसने ना सीखा उसकी भी बल्ले बल्ले है, क्योंकि नहीं आता तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। जिसने सीख लिया उसकी तो बल्ले बल्ले, जिसने ना सीखा उसकी भी बल्ले बल्ले, क्योंकि उसे सीखना ही नहीं है। हाँ, मॉलिक्यूल हैविंग मिक्स्ड हैलोजन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज व्हाट, अगर हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है उसमें मिक्स्ड हैलोजन है तब क्या करेंगे? जैसे अगर मैं बात कर दूं किसके बारे में, ये CH2 के बारे में बात कर दूं और Cl के बारे में बात कर दूं, ब्रोमीन के बारे में बात कर दूं, अब बताओ गुरु रिलेटिव इंटेंसिटी क्या क्या होगी, ये कौन कौन से पीक देगा? हाँ जी कलाकारों, एक तो क्या कर दें, एक तो यहाँ 35 कर दें और एक क्या कर दें 79, एक क्या बना सकते हैं CH2, एक तो क्लोरीन को कर दें 37 और ब्रोमीन को क्या रखें 79, एक क्या बन सकता है CH2, एक में क्लोरीन को रखें क्या 35 ही रखें और ब्रोमीन को क्या कर दें 81, एक और क्या बदलाव कर सकते हैं CH2 क्लोरीन को क्या कर दे 37 और ब्रोमीन को क्या कर दे 81,
अब गुरु ये बताओ कौन क्या क्या देगा। ये देगा एम, ये क्या देगा एम प्लस टू, ये क्या देगा एम प्लस टू, ये क्या देगा एम प्लस फोर, है कि नहीं। ये मॉलिकुलर है ना, ये अंडरस्टैंड है भैया, ये फ्रैगमेंट्स के, ये इन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कंफ्यूज मत रहिएगा, है कि नहीं। अब गुरु ये बताओ रिलेटिव इंटेंसिटी किसकी ज्यादा होगी, एम की होगी या एम प्लस टू की होगी या एम प्लस फोर की होगी, है ना मजेदार चीज। अब आप कहोगे गुरु इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसे सॉल्व कैसे करेंगे, अब इसका जो फार्मूला है वो कौन बताएगा, बोलिए साहब। देखिए अगर ऐसा आपको मिलेगा बायनोमियल एक्सप्रेशन बदल जाएगा आपका, ए प्लस बी, ठीक है, एन की वैल्यू एंड ए प्लस बी एन की वैल्यू, नंबर ऑफ हेलोजन एटम, ये करस्पॉन्ड किससे करेगा, क्लोरीन से, ये करस्पॉन्डिंग किसके होगा, ब्रोमीन के, ठीक है। यहां पे अगर मैं क्लोरीन की बारे में बात करूं तो क्लोरीन क्या है, वन है, और ब्रोमीन आपका क्या है, ब्रोमीन भी क्या है आपका, वन है, ठीक है। तो हम फाइनली कहां पहुंच जाएंगे, ए प्लस बी वन इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ना रखें ज्यादा अच्छा रहेगा, सी प्लस डी रख देते हैं, ये ज्यादा अच्छा रहेगा, क्या कर दे, सी प्लस डी, ठीक है, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी करोगे, करो निकालो क्या आएगा, इंटू सी प्लस डी, जब इसका मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका, ए प्लस बी इंटू सी प्लस डी क्या होगा, ए सी प्लस ए डी प्लस बी सी प्लस बी डी, इतना तो आता है ना, ए सी ए डी बी सी बी डी, ये तो सबको आता होगा, इसमें तो कोई डाउट ना है ना गुरु, दंग है, ओके ओके डन है ना। अब जो ए सी है वो क्या देगा, एम, ठीक है भाई, और जो आपका ए डी है और जो बी सी है ये क्या देगा, एम प्लस टू, और जो बी डी है ये क्या देगा, एम प्लस फोर। अब बता दो रिलेटिव इंटेंसिटी फटाफट, अब बता दो रिलेटिव इंटेंसिटी फटाफट, ये गणित वालों को मजा आएगा, रिलेटिव इंटेंसिटी बतानी है आप लोगों को। अब आइए क्लोरीन के बारे में अगर हम बात जब करेंगे, क्लोरीन के बारे में अगर आप जब बात करोगे तो क्लोरीन में ए की वैल्यूज क्या होगी, थ्री, बी की वैल्यूज क्या होगी, वन, डन है या ना। ब्रोमीन में सी की वैल्यू क्या होगी, वन, और डी की भी वैल्यू क्या होगी, वन, बस ए और बी की वैल्यू पता चल गई, आप रिलेटिव इंटेंसिटी निकाल लो गुरु, इसमें कोई दिक्कत विक्कत है? ना है। ए की वैल्यू कितनी है जी, ए की वैल्यू थ्री है, सी की वैल्यू वन है, प्लस ए की वैल्यू थ्री है और डी की वैल्यू क्या है, ये वन है, ठीक है, क्लियर। प्लस आप क्या कर लोगे, बी की वैल्यू वन है और आपकी सी की वैल्यू क्या है, ये भी वन है, और डी की वैल्यू, बी की वैल्यू वन है और डी की वैल्यू भी क्या है, वन है, निकाल लो भाई। थ्री प्लस वन ये आपका फोर हो जाएगा, प्लस वन ये आपका क्या देगा, एम, ये क्या देगा, एम प्लस टू, ये क्या देगा, एम प्लस फोर, तो जो रेशियो होगा क्या होगा, थ्री इस टू फोर इस टू वन, आया समझ में, एम एम प्लस टू एम प्लस फोर। अब अगर हम बात करें सिग्नल की तो जो स्पेक्ट्रम में आपका देगा वो कौन ऊपर होगा, एम प्लस टू, फिर कौन होगा, एम, सबसे नीचे कौन होगा, एम प्लस वन, कंफर्म। ये कैसे बिलोंग करेगा, एम प्लस टू से, ये एम से, और ये किससे बिलोंग करेगा, एम से। अब गुरु ये ब्रोमीन के लिए सी डी रखा तो इनका रेशियो पता है ना, रेशियो तो सब पता है ना साहब,
रेशियो में कंफ्यूजन ना आए ना जी। यस यस बनने ना, बस यही मजा है, असली मजा यही मजा है, असली मजा। ठीक है क्लियर, यहां तक ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस कॉन्सेप्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखना, नहीं तो पूरी जिंदगी कंफ्यूज्ड रहोगे। मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि आज भी मुझे बहुत लोग ऐसे मिलते हैं जो कर रहे हैं क्या रिसर्च, और रिसर्च तो कर रहे हैं लेकिन उन्हें पीक ही नहीं देखने आती, जो सिंथेसिस कर रहे हैं उसी का मास नहीं देख पाते। ओके ओके नो इश्यू, टेक केयर आरजू, कोई बात नहीं, उन्हीं को ये देखने नहीं आता। यहाँ नहीं सीखोगे तो पूरी जिंदगी धक्के खाओगे, तब इतना टाइम नहीं मिलेगा कि जाएं इसको सीखें। ठीक है तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में 6 PM पे। ओके आफ्टर ए आवर क्वेश्चन करेंगे, क्या करेंगे क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन। ठीक है डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, मीट विद ऑल ऑफ यू एट 6 PM विद अ कैरथर सॉल्यूशन। ओके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, डोंट फॉरगेट टू यूज माय रेफरल कोड AKRISS10 व्हेन यू आर गोइंग टू परचेज अ सब्सक्रिप्शन।